राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी। शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, 10वीं में फेल हुए तो भी नो प्रॉब्लम, जबरदस्त खुशखबरी लेके आप सभी के लिए पास होने के लिए मिलेंगे कई मौके। 17 अप्रैल 2020 की बड़ी खबर लेके आया हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें। एजुकेशन नॉलेज टीवी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं में पास होने के लिए मिलेंगे और मौके। भाषा विषय में आगे बढ़ने के लिए CBSE ने दिया मौका। CBSE की ओर से इन सैकड़ों विद्यार्थियों की बड़ी राहत दी है। इस साल अपनी परीक्षा में बेहतर अंक नहीं ला सके, अब ऐसे विषय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था CBSE की ओर से की गई है। जिन व्यवस्था में एक ओर जहाँ विद्यार्थियों को कक्षा उन्नत करने के लिए अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बोर्ड की ओर से भाषा ज्ञान और आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार बनाई गई व्यवस्था, अगर छात्र 3 अनिवार्य विषय यानी कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में से किसी एक एस्पल रहता हो तो छात्र अपने छठे विषय से उसे रिप्लेस कर पाएंगे, बशर्ते कि छठा विषय कोई स्किल सब्जेक्ट हो। इसमें से अलावा अगर कोई 2 अनिवार्य विषय भाषा इंग्लिश व हिंदी में से फेल होता है तो अगर छठे विषय के तौर पर तीसरी भाषा लिया गया है तो उसे रिप्लेस कर सकेंगे। इसके पास का रिजल्ट मिलेगा। इतना ही नहीं है तो बोर्ड छात्रों को उसी अनिवार्य विषय को विषय में पास करने का मौका भी कंपार्टमेंट में देगा। छात्र अपना अनिवार्य विषय के अंक में सुधार कंपार्टमेंट देखकर कर सकते हैं। तो बड़ी खुशखबरी है भाई, छात्र 28 तरह के विषय को पढ़ पाएंगे और भाषा का महत्व तो बढ़ाने की वकायद। यहाँ पे आप पूरी खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। क्या कुछ CBSE ने तोहफा दिया है 10वीं कक्षा वालों को, जो इस बार रिजल्ट रिलीज किया जाएगा उसमें कोई बाई चांस रह भी जाता है तो इस प्रकार कई मौके उन्हें मिलेंगे पास होने के लिए। धन्यवाद।